2014-2015 जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे उस वक्त यूएस एम्बेसडर इनको मिला, एक एक घंटे की मुलाकात हुई। 2018 में मुलाकात हुई एक घंटे की। अभी की छोड़ दें जो प्राइम मिनिस्टर बन के हुआ है, जो पहले की मुलाकातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, अगर मुलाकातों के बाद ही चीज़ें डिफाइन होनी है कि जी और ऑब्वियसली आई एम श्योर ऑफ दैट उस वक्त खान साहब की मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ के या आसिफ अली जरदारी के हक में या इस्टेब्लिशमेंट के हक में तो बातें नहीं की, क्योंकि हम सबको पता है उनका क्या पर्सपेक्टिव था। सो ये क्या डिफाइन करेगा कि किसकी मुलाकात किससे हो रही है और उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? इज दैट सो, इस तरह पॉलिटिक्स होगी जी? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं वो जो कनेक्ट करें डॉट्स और किससे किसकी मुलाकात हुई उसके बाद उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, एक आस रही है स्पेकुलेशन, इसके ऊपर जो बेस्ड पॉलिटिक्स आपको पता है पहले भी होती रही है, आई थिंक मुस्तकबिल में भी होती रहेगी, एंड आई थिंक दुनिया भर में ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोई इतनी वो बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त मैटर एट हैंड है, ये जो इस मीटिंग का और फिर उस मीटिंग के बाद जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर होने का, उन डेट्स के अंदर भी वो भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि पहले जो है वो ओआईसी का जो समिट हुआ उसके बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन हमारी गवर्नमेंट का रहा अमेरिकन्स के साथ, वो जो बुलाया गया मिनट्स ऑफ द मीटिंग पहले, जी बिल्कुल, उससे पहले शेयर किया गया, उसके बाद उनको बुलाया जाता है, उनके साथ अच्छे तालुकात। बट देन अगेन, हैविंग सेड दैट, मैं तनकीद बनाए तनकीद नहीं करना चाहती, कुछ चीजें होती हैं जिनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की, अगर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने पहले कोशिश की है तो उसमें कोई खराबी नहीं, अच्छी बात है, हो सकता है देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन जो सोचा जा रहा हो कि शायद इस मामले को डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जा सकता है। जो भी है, अमेरिका एक बड़ी कुव्वत है, एक बड़ा मुल्क है, तो हेड्स ऑन आप राइट अवे तो नहीं लेना चाहिए। वैसे भी इन टूडेज वर्ल्ड मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं, आदाब जो है, उनको फॉलो करना चाहिए, तो अगर गवर्नमेंट ने भी किया तो अच्छी बात है। मैं जो चीज़ समझने से इस वक्त कासिर हूँ वो ये है कि इस एक कॉन्वर्जेशन को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को बुनियाद बनाकर ये जो एक वावेला खड़ा किया आज, ये कह के, अब आर्टिकल 5 डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा आज जब जिक्र हुआ उसका, कि स्टेट के साथ लॉयल्टी जो है वो हर सिटीजन के ऊपर लाजिम है।